दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा ले। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान पर। दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए बिजली विभाग की नई भर्ती की अपडेट लेके आए हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑल इंडिया की वैकेंसीज है, मेल या फीमेल बोथ कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ALM, ALO, LDC, UDC और भी पोस्ट है जो हम आपको नोटिस से स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। सभी पोस्ट के लिए 2978 वैकेंसी यहाँ पर निकली है। बात अगर योग्यता की जाए तो 10वीं 12वीं ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, BBTECH और भी अन्य योग्यता है जिनसे आप इन भर्तियों के लिए अप्लाई कर सकते हो। इस वीडियो में हम आपको साथ ही साथ ये भी जानकारी देंगे कि किस पोस्ट के लिए क्या कैटेगरी वाइज वैकेंसीज है, क्या आवेदन शुल्क आपको किस कैटेगरी के लिए जमा करना होगा, कैसे आप इसकी नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गवाए शुरू करते हैं बिजली विभाग भर्ती की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, बात अगर पोस्ट की जाए तो इसमें असिस्टेंट लाइनमैन, लोअर डिवीजन क्लर्क और भी बहुत सारी पोस्ट है जिनकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देंगे कि किस पोस्ट के लिए किस कैटेगरी की कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्या एग्जैक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। टोटल 2978 यहाँ पर खाली पद है। सैलरी लेवल 4, 5, 6, 7 के अंतर्गत अलग अलग पोस्ट के लिए प्रोवाइड की जाएगी। पोस्ट वाइज सैलरी की जानकारी भी आप नोटिस से चेक कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड के अंतर्गत यहाँ पर जूनियर सिस्टम मैनेजर के लिए वैकेंसीज निकली है। 146 टोटल खाली पद है इसमें। जनरल कैटेगरी के लिए 63 खाली पद है। SC के लिए 29 है, BC के लिए 23 है, BCB के लिए 16 है, EWS के लिए 15 खाली पद है। इस भर्ती के लिए BBTECH होल्डर अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड नंबर की जो पोस्ट है असिस्टेंट लाइनमैन की ALM की, इसके लिए 183 खाली पद है। इसमें जनरल कैटेगरी के 97 खाली पद है। SC के लिए 36 है, BCA के लिए 29 है, BCB के लिए 20 है, EWS के लिए यहाँ पर 1 खाली पद है। इसके लिए मैट्रिक यानी कि 10वीं क्लास पास अप्लाई कर सकते हैं। साथ में 2 साल का ITI कोर्स इसमें मांगा गया है जिस भी ट्रेड में आप अप्लाई कर रहे हो। उसके बाद दोस्तों जो थर्ड नंबर की पोस्ट है असिस्टेंट लॉ ऑफिसर की, इसके लिए 3 जनरल कैटेगरी के लिए वैकेंसीज है। LLB इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फोर्थ नंबर की जो जॉब है लोअर डिवीजन क्लर्क की, इसके लिए 440 खाली पद है। इसमें जनरल कैटेगरी के 98 खाली पद है। SC के लिए 138 है, BCA के लिए 113, BCB के लिए 77, EWS के लिए 14 खाली पद है। इस भर्ती के लिए बैचलर यानी कि ग्रेजुएट जनरल डिग्री होल्डर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप यहां पर हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के अंतर्गत वैकेंसीज के स्टेप बाय स्टेप जानकारी चेक कर सकते हो। 5 नंबर की जो पोस्ट है असिस्टेंट लॉ ऑफिसर की, इसके लिए 2 जनरल कैटेगरी के लिए यहां पर पद है। LLB अप्लाई कर सकते हैं। 6 नंबर की जो पोस्ट है प्रोटेक्शन असिस्टेंट की, इसके लिए 18 खाली पद है। जनरल के लिए 6 है, SC के लिए 5 है, BCA के लिए 3 है, BCB के लिए 2, EWS के लिए भी 2 है। इसके लिए 10वीं क्लास पास अप्लाई कर सकते हैं, प्लस 2 साल का ITI सर्टिफिकेट इसमें मांगा गया है। 7 नंबर की जॉब स्टोर असिस्टेंट की है, इसके लिए 8 खाली पद है। इसमें जनरल के 4 है, SC के 2 है, BCA के 1 और EWS के लिए भी 1 खाली पद है। इसके लिए ग्रेजुएट डिग्री होल्डर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो 8 नंबर की पोस्ट है सेक्शन ऑफिसर अकाउंट की, इसके लिए 6 खाली पद है। इसमें जनरल के 3 है, SC, BCA और EWS के लिए 1-1 खाली पद है। इसके लिए मास्टर डिग्री यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो 9 नंबर की पोस्ट है डिविजनल अकाउंटेंट की, इसके लिए 10 खाली पद है। इसमें जनरल के 6 है, SC का 1, BCA, BCB और EWS के लिए भी 1-1 खाली पद है। पोस्ट ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो 10 नंबर पर है फार्मासिस्ट की पोस्ट है, इसके लिए 4 खाली पद है। इसमें जनरल के 2 है, BCA और BCB के लिए 1-1 खाली पद है। इसके लिए 10वीं क्लास पास अप्लाई कर सकते हो और साथ में यहाँ पर डिप्लोमा मांगा गया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 11 नंबर पर जॉब है जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की, इसके लिए 34 खाली पद है। इसमें जनरल के 15 है, SC के 6 है, BCA के 6 है, BCB के लिए 4 है, EWS के लिए 3 खाली पद है। इसके लिए ग्रेजुएट पास अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनो टाइपिस्ट के लिए 25 टोटल पद है। इसमें जनरल के 10 है, SC के 5, BCA के लिए 4, BCB के लिए 3, EWS के लिए 3 खाली पद है। इसके लिए प्लस 2 इनके 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। 13 नंबर की जॉब लोअर डिवीजन क्लर्क पोस्ट के लिए है, 40 यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है। जनरल के लिए 17 है, SC के लिए 8 है, BCA के लिए 7 है, BCB के लिए 4, EWS के लिए 4 है। ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। अपर डिवीजन क्लर्क पोस्ट के लिए जो 14 नंबर पर है, इसके लिए 15 वैकेंसीज है। जनरल के 7 है, SC के लिए 3 है, BCA के लिए 3, BCB के लिए भी 1 पद है, EWS के लिए 1 पद है। इसके लिए ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ अपर डिवीजन क्लर्क पोस्ट के लिए जो हेड ऑफिस कैडर है, उसके लिए भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए 6 खाली पद है। वीडियो को पॉज करके आप यहाँ से कैटेगरी वाइज वैकेंसी चेक कर सकते हो। हम आपको ओनली अब यहाँ पर टोटल की जानकारी देंगे। 16 नंबर पर लोअर डिवीजन
क्लर्क हेड ऑफिस कैटरी के लिए 23 यहाँ पर टोटल खाली पद है, ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी ट्रांसलेटर पोस्ट के लिए 5 खाली पद है, ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर अकाउंटेंट के लिए 19 खाली पद है, ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए 1 जनरल कैटेगरी के लिए पद है, 10वीं पास और डिप्लोमा धारक अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर ड्राफ्ट्समैन के लिए 76 खाली पद है, मैट्रिक यानी कि 10वीं क्लास पास प्लस ITI सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड के अंतर्गत वैकेंसीज की जानकारी आप चेक कर सकते हो, जैसे कि असिस्टेंट लाइनमैन के लिए 1307 खाली पद है, इसमें जनरल के 564 खाली पद है, SC के लिए 261 है, BCA के लिए 209 है, BCB के लिए 143, CWS के लिए 130 है, मैट्रिक यानी कि 10वीं क्लास पास अप्लाई कर सकते हैं। डिविजनल या रिवेन्यू अकाउंटेंट के लिए 48 खाली पद है, इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए 2 जनरल कैटेगरी के लिए, इसमें MCA BBTEC अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर टेस्ट इंजीनियर पोस्ट के लिए 1 पद है जनरल का, BBTEC अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट लॉ ऑफिसर के लिए 3 जनरल के लिए LLB अप्लाई कर सकते हैं। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 495 खाली पद है, बैचलर डिग्री होल्डर अप्लाई कर सकते हैं। अपर डिवीजन क्लर्क पोस्ट के लिए 58 खाली पद है, बैचलर डिग्री होल्डर अप्लाई कर सकते हैं। तो टोटल 2978 यहाँ पर खाली पद निकले हैं, जिनके लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। आयु सीमा 18 से 42 वर्ष है। आवेदन शुल्क की अगर बात की जाए तो मेल कैटेगरी के लिए देख सकते हो, सबसे पहले जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर कैटेगरी वाइज जैसे कि नंबर 2, 4, 6, 7, 12, 16, 19, 21, 26, 27 पोस्ट नंबर कोड के लिए जनरल के लिए 100 यहाँ पर आवेदन शुल्क है, 25 रिजर्व के लिए। इसी तरह फीमेल के लिए जो हरियाणा रेजिडेंट है उनके लिए जनरल के लिए 50 यहाँ पर शुल्क है और रिजर्व के लिए 13 है। इसी तरह आप यहाँ से वीडियो को पॉज करके कैटेगरी वाइज आवेदन शुल्क की जानकारी चेक कर सकते हो, जो कि आप ऑनलाइन या ऑफलाइन पेमेंट कर सकते हो। PWD या EX सर्विसमैन को कोई भी शुल्क जमा नहीं करना होगा। डेट की अगर बात की जाए तो इस भर्ती के लिए 10 जुलाई यानी कि कल से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट की अगर बात की जाए तो 25 जुलाई 2019 तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। फीस पेमेंट की लास्ट डेट 29 जुलाई 2019 है। एग्जाम डेट है 1 से 18 अगस्त 2019। अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो hssc.gov.in पोर्टल से। कल से आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन इसी पोर्टल से कर सकते हो। हरियाणा जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से आप आवेदन कर सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न एग्जाम, सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया और एक्सपीरियंस के आधार पर। दोस्तों अगर आपको इस भर्ती के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और हमारे इस पेज पर विजिट करके यहीं पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF का लिंक दिया गया है। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो इसकी नोटिफिकेशन की PDF ओपन हो जाएगी। इसके अंतर्गत आपको इस भर्ती से रिलेटेड पूरी जानकारी मिल जाएगी। साथ साथ अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए यहाँ पर URL भी दिया गया है, इस URL पर आपको क्लिक करना होगा और 10 जुलाई से आप यहीं से डायरेक्टली अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। यहाँ पर भी अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है, आप यहाँ से भी कल से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों इस भर्ती के बारे में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी भी अपडेट अपलोड करते हैं।